आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे और मैं हूं रमन सैनी। इस समय की बड़ी खबर जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जहां पर बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसे नाकाम बना दिया है। और जो जानकारी मिल रही है, करीबन 1:30 बजे रात पाकिस्तान के इलाके से एक शख्स जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, भारतीय सीमा की तरफ आगे बढ़ रहा था। और ये इलाका है सांबा का मंगूचक का इलाका, जहाँ पर संदिग्ध जब मूवमेंट देखी गई तो उसे चैलेंज किया गया और जब वो नहीं रुका तो फिर फायरिंग कर उसे शॉट डेड कर दिया गया, यानी कि उसे मार गिराया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसका शव बरामद कर लिया गया है, हालांकि उसके पास से अभी कोई हथियार या कोई ड्रग्स की खेप जो है वो नहीं मिली है। हो सकता है कि ये किसी तरीके का कोई गाइड हो जो बीएसएफ की अलर्टनेस को चेक करने के लिए इस इलाके में आ रहा हो और उसे बीएसएफ ने मार गिराया है। यह लगातार दूसरे दिन दूसरी घटना जो है वो सामने आई है। जिस तरीके से हमने देखा कि कल पुंछ के इलाके में, जो गुलपुर का इलाका पड़ता है, वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ कर रहे एक दल को जो है वो जो है एंगेज किया और उसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ और एक आतंकी जख्मी हुआ। और जो ब्लड ट्रेल था उसको फॉलो करते हुए जब जो भारतीय सेना के जवान थे उन आतंकियों तक पहुंचे तो कुल 3 आतंकी, जिसमें एक जख्मी आतंकी था और 2 सही सलामत आतंकी थे, उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की खेप जो है वो बरामद की गई है। और इसका अफगान कनेक्शन भी जो सामने आ रहा है, क्योंकि एक अफगान प्रेशर कुकर जो है उसे लाया जा रहा था, इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को उसकी जानकारी मिल गई और वक्त रहते ही उन्होंने उन्हें धर दब पहुंचा और अब उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, ये सभी जो आतंकी हैं ये पिछले काफ़ी लंबे समय से इलाके में जो है वो एक्टिवेट थे और इनकी कोशिश कर रहे थे कि हथियारों को स्मगल कराया जाए, नारकोटिक्स को स्मगल कराया जाए और उसके साथ साथ में जो आईडी है वो जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाए ताकि किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन उसके बाद आज दूसरा दिन है और रात 1:30 बजे के करीब में जो सांबा का मंगूचक इलाका पड़ता है वहाँ पर एक और कामयाबी जो है वो भारतीय सुरक्षा बलों को मिली है। बीएसएफ ने इस एक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया है सीधे तौर पर, और हालांकि उसके पास से अभी किसी तरीके का कोई हथियार, गोला बारूद बरामद नहीं हुआ, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन निश्चित रूप में लगातार कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि G20 की कामयाबी के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से हताशा में है और जिस तरीके से अब अमरनाथ यात्रा जो है वो आ रही है और उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से है, इसीलिए भारी भरकम हथियार के साथ आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, पहाड़पुर से लेकर और अखनूर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका पड़ता है उसके सामने मसरूर बड़ा भाई, अभियाल डोगरा जैसे जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर आतंकियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। वहां पर G20 के समय भी आतंकियों की मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी और अब अमरनाथ यात्रा से पहले भी वहां पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है और किसी न किसी तरीके से वो इस इलाके के अंदर जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से टनल को खोदना है और टनल के जरिए पहले भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम दिया जा चुका है, कई आतंकियों को मारा गया है जो टनल के जरिए भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए थे और कई ऐसी टनल्स जो हैं पिछले इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो उन्हें नष्ट किया जा चुका है। तो लगातार पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रहा है और उन्हीं कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और हिंटरलैंड में अर्धसैनिक बल, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान के साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को कामयाब ना होने दिया जाए और अगर कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो या तो उन्हें पकड़ लिया जाए या फिर उन्हें मौके पर ही मार गिराया जाए। और उसी के चलते एक और बड़ी कामयाबी जो है वो बीएसएफ को मंगूचक, जो सांबा का इलाका पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वहां पर प्राप्त हुई है और फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिरकार ये शख्स कौन था, इसकी शिनाख्त क्या थी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं निकल पाई है। जैसे इस बारे में कोई और जानकारी मिलेगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें जेके न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।